उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, हमारी देश की बेटियों ने एक ऐसे शादी ठग को पकड़ा है जिसका 2 महीने पहले दिल्ली में कॉल सेंटर था, लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करता था, लोगों को बड़ी कंपनी के नाम बताकर ज्यादा सैलरी बताकर लोगों से 5,000-10,000 रुपए की डिमांड करता था। दोस्तों, 1 से 2 महीने दिल्ली में कॉल सेंटर खोला, दिल्ली में लड़कियों से काम करवाया और वहां से भाग गया। जैसे ही नोएडा में उसने अपना नया कॉल सेंटर खोला ठगी का, तो तुरंत हमारे देश की बेटियों ने उसे आके पकड़ लिया। मीडिया की मदद से, प्रशासन की मदद से हमारे देश की बेटियों ने एक शादी ठग का पर्दाफाश करवाया। फिलहाल प्रशासन और मीडिया की मदद से लड़कियों को सैलरी दे दी गई है। तो दोस्तों, आखिर क्या था पूरा मामला? दिल्ली में ये लोग बैठकर नौकरी देने के नाम पर ठगी करते थे। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जहां पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बैठते हैं, यानी कि जहां से पूरे देश का सिस्टम चलता है। दिल्ली जैसे राजधानी में ये शाति ठग नौकरी देने के नाम पर ठगी करता था और हमारी देश की कम से कम 100 से 150 बच्चों की सैलरी मारकर भाग गया था। आइए देखते हैं दोस्तों उस खास खबर को, किस तरह से हमारे देश की बेटियों ने उसको पकड़ा और किस तरह से मीडिया की मदद से और प्रशासन की मदद से हमारे देश की बेटियों को सैलरी मिली। लोग अभी सेक्टर 16 नोएडा में मौजूद हो, तो आप लोगों से यहाँ पर जो सैलरी को स्कैम था, सैलरी वगैरह नहीं दी आप लोगों की, आप लोगों को सैलरी मिल गई यहाँ पर? हाँ जी सर, मिल गई है। अच्छा, आपको मिल गई सैलरी बेटा? हाँ जी, वो भी निकलवाएगा। सबको सैलरी मिल गई बेटा? हाँ जी। अच्छा, आप लोग बेटा मीडिया से सहमत हो? हाँ सर। अच्छा, मीडिया ने काम सही किया अपना? अच्छा, भविष्य में कहीं भी आपको मीडिया की हेल्प चाहिए हो तो हमारा अवेयरनेस मिशन है, वहाँ पर जाकर आप हमें कमेंट करेंगे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो आपको जो प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, आगे से बेटा सावधान रहो, कभी भी किसी ऐसे ठगी वालों पर इसमें काम मत करो जो लोगों से नौकरी के नाम पे पैसा लेते हैं या आपकी सैलरी मार के बैठाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑफिस में काम करो जहाँ पर आपको ऑफर लेटर मिले प्रॉपर और प्रॉपर आपको जेन्युइन ऑफिस लगे, एक बोर्ड वगैरह लगा हुआ ऑफिस में। यहाँ पर मैंने देखा था अभी इस ऑफिस में कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, सिर्फ फर्जी ऑफिस था टोटली। ठीक है, सबकी सैलरी मिल गई बेटा? सारे लोग सहमत हो? नौकरी वाला ठगों का ऑफिस है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगातार केबिन बने हुए हैं, चेयर पड़ी हैं, कुर्सी पड़ी हैं, एयर कंडीशन लगा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक केबिन यहाँ पर सामने है और इनका डायरेक्टर केबिन है। तो यहाँ पर जो इनकी हेड बैठती थी, जो लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी करती थी, एक्चुअली क्या बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो है कॉलिंग हुआ करती थी नौकरी के नाम पर। तो यहाँ पर ये नौकरी के नाम पर कॉलिंग करते थे बच्चों को, बड़ी बड़ी कंपनी के नाम बताकर कि जी भाई आपको सैमसंग में जॉब मिल जाएगी, ओप्पो में जॉब मिल जाएगी, यामा कंपनी जॉब मिल जाएगी। इस तरीके से ये फर्जी इनके रजिस्टर वगैरह भी हैं। तो ये नौकरी के नाम पर ठगी करते थे। पहले इनका ऑफिस नेताजी सुभाष पैलेस में था, वहाँ से ये लोग भाग चुके हैं, नेताजी सुभाष पैलेस दिल्ली। उसके बाद इनका ऑफिस था सेक्टर 2 में 3 में 4 में 5 में। तो ये लगातार लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी कर रहे थे और अब तक इन्होंने हज़ारों युवाओं का बेवकूफ़ बनाया है। और हमारे देश के युवा वैसे ही परेशान है बेरोजगारी से, लॉकडाउन से, वहाँ पर लगातार इन बच्चों से पैसे ले जा रहे थे। यही वो ठगी का दफ्तर है जहाँ पर बैठ कर ठगी होती थी और लोगों को कॉल किया था कि बेटा आपको 25,000 सैलरी मिलेगी, 30,000 सैलरी मिलेगी। यहाँ पर वो ठग बैठती थी, जो मेन ठग है जिसका नाम दीपांशी है, वो ठग इसी में बैठती थी और यहीं से कॉलिंग करती थी। तो आप देख सकते हैं हमारे देश को, युवाओं को एकदम ठीक ठाक बेवकूफ़ बना जा रहा है। ये रजिस्टर देख सकते हैं आप, अवैध डॉक्यूमेंट यहाँ पर रखे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लड़कियाँ बैठती थी लाइन बाई लाइन। मैं आपको दिखा दूँ, जो मेन इनका सरगना है, जो ठग है, जो असली ठग जो है, साहिल नाम उस व्यक्ति का है, वही पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया है। तो आगे देखते हैं कि पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी और जिन बच्चों ने तहरीर दी है, जिन बच्चों ने कंप्लेंट की है, क्या उन बच्चों के पैसे वापस मिल पाएंगे? तो ये वीडियो का अभी स्टार्टिंग है, बाकी सेकेंड में दिखाऊंगा वो कौन कौन ठग है जो नौकरी के नाम पर ठगी कर रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।